हे नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है तुषार और आप सभी लोग देख रहे हो गेमिंग जोन। तो भाई आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा का पूरा देखिए, बिल्कुल ही मिस मत करिए, क्योंकि इस वीडियो हम अपने एंड्रॉइड डिवाइस में डाउनलोड करने वाले हैं टेकन 7 को। तो भाई आपके बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे भाई कोई फाइट का गेम लेके आई हमारे लिए जो बहुत अच्छे ग्राफिक के साथ हो और जो ज़्यादा एमबी का ना हो। तो भाई मैं आपकी बात मान के ये गेम लाया हूँ टेकन 7 को। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है गेम और ये कुछ दिनों पहले हमारे एंड्रॉइड के रिलीज़ हुआ है। और इस गेम की साइज़ की बात करें, ये ज़्यादा बड़ा गेम नहीं है, ज़्यादा बड़ा एमबी का नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ 352 एमबी का गेम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। जितने जियो यूज़र है उनको पूरी 1 GB मिलती है, तो आप तो आराम से डाउनलोड करके इसे खेल सकते हो। तो यार प्लीज़ अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बगल में बेल आइकन दबा लीजिएगा, जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको ना प्ले स्टोर ओपन करना है, और प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड कर लेनी है, इसका नाम है जेड आर्चीवर। तो चलिए डाउनलोड कर लेते हैं जेड आर्चीवर को। तो जेड आर्चीवर आपको डाउनलोड कर लेना, सबसे ऊपर आ रहा है आपको डाउनलोड कर लेना है। तो 10 मिलियन लोगों ने तो पहले डाउनलोड कर रखा है, इसलिए हमें भी डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको एक लिंक मिलेगा टेकन 7 गेम डाउनलोड लिंक, आपको ओपन कर लेना है। और जैसे आप लिंक ओपन करोगे तो आपको कुछ ऐसा पेज खुलेगा, पेज खुलने का यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, आपको डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद जो जो बात मैं कह रहा हूँ आपको ध्यान से सुन लेनी है। तो ये देखिए जो हमारा PSP है, जिसके पास ये PSP नहीं है उनके लिए ज़्यादा अच्छा है, और जिनके पास है वो आपको ये डिलीट कर देना है। PSP एमुलेटर, PPSPP एमुलेटर आपको ये डिलीट कर देना है जिसके पास भी है। डिलीट करने के बाद आपको अपना जेड आर्चीवर ओपन कर लेना है और वो फोल्डर ढूंढना है PSP का। तो चलिए ढूंढ लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा PSP का फोल्डर है, इसके पास भी PSP था, आपने डिलीट कर लेना है। डिलीट करने के बाद ये फोल्डर आपको दिख रहा होगा PSP का ही, तो आपको ये डिलीट कर देना है फोल्डर। तो ये डिलीट कर दिया है मैंने। डिलीट करने के बाद आपको अपनी टेकन 7 की फाइल ढूंढनी है, जहाँ पे भी आपने डाउनलोड कर रखी है। तो मैंने यूसी नोट्स में डाल रखी है, तो अपना यूसी नोट्स ओपन कर लेता हूं। और ये रही मेरी टेकन 7 की फाइल, तो आपको इसमें क्लिक करना है टेकन 7 की फाइल में, और यहाँ पे व्यू का ऑप्शन आ रहा होगा, आपको इस पर भी क्लिक कर देना है। और यहाँ पे टेकन 7 लिखा आ रहा होगा, आपको इसमें भी क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको PPSPP एक एमुलेटर का वो मिल जाएगा APK, तो आपको इंस्टॉल कर लेना है ओपन करके। तो चलिए इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो देखिए इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो प्लीज़ वेट कर लीजिए, इसे इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो प्लीज़ वेट। तो ये देखिए इंस्टॉल हो चुका है, आपको डन में क्लिक कर देना है। डन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका PSP का फोल्डर दिख रहा होगा, आपको ये कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद ऊपर जाना है डिवाइस मेमोरी में, और ये यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो प्लीज़ वेट कर लीजिए, पूरा 100 नहीं देना है, और जो जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ बिल्कुल वो आपको करना है, तभी आपका टेकन 7 चलेगा। तो प्लीज़ वेट कर लीजिए, पूरा 100 नहीं देते हैं। तो ये 100 होने वाला है, तो ये 90 के बाद थोड़ा टाइम लग जाता है इसे होने में पूरा 100, तो प्लीज़ वेट कर लीजिएगा। तो ये देखिए हमारा PSP का फोल्डर यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। तो चलिए देख लेते हैं अपना PSP का फोल्डर। तो ये देखिए, ये रहा हमारा PSP का फोल्डर, और आपको वापस से अपना टेकन 7 की फाइल में चलना है। तो चलिए चलते हैं यूसी डाउनलोड्स, और ये हमारी टेकन 7 की फाइल, उसमें क्लिक करते हैं। और यहाँ पे व्यू का ऑप्शन आ रहा होगा, आपको इसमें भी क्लिक करना है, और टेकन 7 की फाइल में वापस से क्लिक करते हैं। और यहाँ पे आपको टेकन 7 की फाइल दिख रही होगी, इसे यहाँ पे आपको कॉपी कर लेना है, और वापस से ऊपर जाना है डिवाइस मेमोरी में, और PSP का फोल्डर ढूंढना है। तो देखिए, ये रहा हमारा PSP का फोल्डर, तो इसमें क्लिक करते हैं। और यहाँ पे गेम का ऑप्शन आ रहा होगा, आपको इसको इसमें भी क्लिक करना है, और यहाँ पे पेस्ट कर देनी है फाइल गेम्स में जाके। तो ये पेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं, तो प्लीज वेट कर लीजिए। तो ये देखिए हमारी टेकन 7 की फाइल पेस्ट हो चुकी है। तो चलिए अपना PSP का फोल्डर ओपन कर लेते हैं, मतलब PPSPP का फोल्डर ओपन कर लेते हैं। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, अभी के अभी लाइक कर दिए, तो चलिए अब ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए आपको कुछ ऐसा ओपन होगा PPSPP एमुलेटर, और आपको यहाँ पे अपना PPSP का फोल्डर ढूंढना है। तो चलिए ढूंढते हैं कहाँ पे हमारा PSP का फोल्डर। तो ये हमारा PSP का फोल्डर, चलते हैं इसमें, और हमने गेम में पेस्ट किया था टेकन 7, तो चलते हैं गेम में। और ये हमारा टेकन 7, तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो पूरा लुक चेंज हो चुका है हमारा PPSPP एमुलेटर का। लोडिंग
हो रहा है, तो ये आप देख सकते हो टेकन 7 हमारा पूरा का पूरा थोड़ा सा लैग कर रहा है क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये देखिए हमारा पूरा टेकन 7 ही है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को एंड शेयर करें। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे प्लेयर्स मिल जाएंगे, डेवल जिन मिल जाएगा और बहुत सारे किंग भी मिल जाएगा, अमर किंग भी मिल जाएगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, बब्बा है। और इस बार एम करेंगे लाइक को कम से कम 500 लाइक, बनती इस वीडियो में तो प्लीज़ 500 लाइक कर देना। हर बंदा इस वीडियो में लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और उसके बाद में बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बब्बा है।